हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एनिमल न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल वन देखेंगे। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड आती है। तो ये पेपर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल कैलकुलेशन एंड प्रिकॉशन ऑफ क्रूड प्रोटीन एस्टिमेशन। तो हमें क्रूड प्रोटीन एस्टिमेशन करना है, इनडायरेक्टली हमें नाइट्रोजन कंटेंट एस्टिमेट करना है। तो क्रूड प्रोटीन आप जानते हो किससे मिल के बना होता है। टोटल प्रोटीन मतलब एक तो ट्रू प्रोटीन होता है और एक नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। तो ट्रू प्रोटीन में आता है अमीनो एसिड इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन एनपीएन में आते हैं अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह। तो दो मेथड है मोस्ट पॉपुलरली, जेलडाल मेथड एंड ड्यूमास मेथड। तो जेलडाल मेथड इज प्रिफर फॉर प्रोटीन नाइट्रोजन एस्टिमेशन। तो क्रूड प्रोटीन एस्टिमेशन हम यही यूज करेंगे, जेलडाल मेथड को। तो क्यों कहते हैं क्रूड प्रोटीन, ये हमें पता चल गया कि टोटल प्रोटीन होता है फीड स्टफ में उस कंटेन नाइट्रोजन, नॉट ओनली दैट प्रेजेंट इन प्रोटीन बट ऑल्सो प्रेजेंट इन अवाइड सम अमीनो एसिड अमोनियम कंपाउंड। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम टोटल नाइट्रोजन ही कैलकुलेट करेंगे। तो क्रूड प्रोटीन इज एक्चुअली डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन बाय जेलडाल मेथड विच इज देन कन्वर्टेड इनटू क्रूड प्रोटीन बाय मल्टीप्लाइंग विद ए फैक्टर 6.25। आप जानते हैं 6.25 से को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल जानने से पहले आप इसके चार बेसिक स्टेप होते हैं। एक तो होता है डाइजेशन, एक होता है डिस्टिलेशन, फिर टाइट्रेशन एंड कैलकुलेशन। तो डाइजेशन पहले करते हैं, उसमें क्या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन व्हेन डाइजेस्टेड विद कंसेंट्रेट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट K2SO4 CuSO4। तो जो भी हमारा सैंपल है उसमें नाइट्रोजन तो होगी, उसको हम किसके साथ मिलाते हैं, कंसेंट्रेट H2SO4, और कैटलिस्ट कौन सा यूज लेते हैं, K2SO4 CuSO4 एंड सेलेनियम ऑक्साइड, इन तीनों का मिक्सचर। फिर क्या करते हैं, अमोनियम इज कन्वर्टेड इंटू अमोनियम सल्फेट, अमोनिया इज लिबरेटेड बाई एडिंग एल्कली टू द डाइजेस्टेड मिक्सचर ऑन डिस्टिलेशन। उसके बाद डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड बोरिक एसिड यूज लेते हैं। तो डिस्टिलेशन का सीधा मतलब क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस को अलग करते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से या लेस वोलेटाइल सब्सटेंस से। फिर उसके बाद हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन मतलब किसी अननोन सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन पता करना। अगर बेसिक सॉल्यूशन दिया है तो हमें उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं एसिड सॉल्यूशन के साथ। तो क्या है, फिर द बाउंड अमोनिया इन बोरिक एसिड सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम बोरेट कॉम्प्लेक्स इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन टू डिटरमाइन नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन कंटेंट मिलने के बाद हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.25 से। 5.7 फॉर व्हीट फ्लोर्स, 4.45 फॉर पीनट्स। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, द केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि चार स्टेप होते हैं, डाइजेशन, डिस्टिलेशन, टाइट्रेशन एंड कैलकुलेशन। तो डाइजेशन में हम सैंपल लेते हैं जिसमें जो कि टोटल नाइट्रोजन प्रोटीन प्लस एनपीएन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट K2SO4 एंड कॉपर सल्फेट एंड सेलेनियम ऑक्साइड। तो फिर ये बनता है अमोनियम सल्फेट बनता है, फिर उसको डिस्टिलेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, फिर अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया का हम बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर टाइट्रेशन करते हैं। तो ये चार स्टेप आपको पता होना ही चाहिए। अब कैलकुलेशन देखते हैं, उससे पहले हम अपरेटस देख लेते हैं, जेलडाल फ्लास्क, डाइजेशन एंड डिस्टिलेशन यूनिट, वेंग बैलेंस, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट पिपेट, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर। ये इतने सारे रिएजेंट है, बोरिक एसिड, HCl, H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैटलिस्ट, ये बैलेंस, ये कॉनिकल फ्लास्क, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये पिपेट, ब्यूरेट, ये पूरा जेल डाल एपरेटस। तो ये जेल डाल फ्लास्क आप देख सकते हो, ये होता सेटअप। कैलकुलेशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज नाइट्रोजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ N/7H2SO4 यूज्ड मल्टीप्लाई विद 0.002 मल्टीप्लाई D 200 अपॉन वेट ऑफ सैंपल
अब इंटू ए इंटू परसेंटेज ड्राई मैटर, तो परसेंटेज क्रूड प्रोटीन कितना होगा, परसेंटेज नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाई 6.25। तो हमें परसेंटेज नाइट्रोजन मिलने के बाद उसको 6.25 से मल्टीप्लाई करना है। फिर नॉट वन एवल ऑफ एन बाई टेन इक्वल कितना होता है ये आपको बताया। प्रिकॉशन की बात करें तो लिक्वर अमोनिया और एनी अमोनिया कंपाउंड शुड नॉट बी केप्ट एट द साइट ऑफ डाइजेशन डिस्टिलेशन एंड टाइट्रेशन, पर्टिकुलरली कैल्शियम शुड नॉट बी प्रेसिपिटेट इन द सेम रूम। फिर ए टिप ऑफ कंडेंसर शुड बी डिप इन बोरिक एसिड टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ अमोनिया लिबरेटेड फ्रॉम द एडिशन ऑफ एल्केली, एंड फ्यू ग्लास बीड्स मे बी एडेड इन डाइजेशन फ्लास्क टू प्रिवेंट बम्पिंग। ये कुछ प्रिकॉशन है जिनका आपको ध्यान रखना है, मेनली लिक्विड अमोनिया का ही है। अगला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल कैलकुलेशन एंड प्रिकॉशन ऑफ इथर एक्सट्रैक्ट एस्टिमेशन। तो इथर एक्सट्रैक्ट को या क्रूड फैट को बात एक ही है, या टोटल फैट तो क्या होता है, ये इंक्लूड ऑल फ्रैक्शन ऑफ फीड विच इज सोल्यूबल इन इथर। तो मतलब इथर में जो भी सोल्यूबल हो वो इथर एक्सट्रैक्ट में आ जाता है। तो उसमें फ्री फैट भी हो सकता है, सिंपल फैट भी हो सकता है, न्यूट्रल फैट, कंपाउंड फैट, फैटी एसिड एस्टर, क्लोरोफिल, स्टेरॉइड, कैरोटीन, फैटिस, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। इसलिए इसको क्रूड फैट बोला है, क्योंकि अगर फैट बोलते तो सिर्फ फैट ही आता, तो क्रूड फैट बोल देते मतलब ये सारा कुछ आते हैं, जितने भी फैट सोलबल कंपाउंड होते हैं ना वो सारे जाते हैं। क्रूड फैट इन इथर एक्सट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड बाई एक्सट्रैक्टिंग द फीड सैंपल यूजिंग कंटिन्यूअस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ फैट सॉल्वेंट लाइक पेट्रोलियम इथर, बेनिलियम एंड एक्सन यूज करते हैं, डाइएथाइल इथर, बेंजीन एंड स्पेशली मैट एक्सट्रैक्शन अपरेटस नोन एज सॉक्सलेट अपरेटस। इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए फीड इज ट्रीटेड विद पेट्रोलियम इथर इन अ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन असेंबली इट डिसॉल्व फैट एंड फैटी सब्सटेंस इन द सैंपल, ऑन इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोलियम इथर क्रूड फैट और इथर एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेंड। तो ये इसका प्रिंसिपल अपरेटस क्या है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, थिम्बल, कॉटन, हॉट एयर ऑन और डेसिकेटर, वेइंग बैलेंस। ये वेइंग बैलेंस है, ये फिल्टर पेपर, सेलुलोज थिम्बल, हॉट एयर ऑन, ये इसके सॉक्सलेट अपरेटस ये तीन पार्ट होते हैं, मेनली कंडेंसर, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर, रिसीविंग फ्लास्क। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वेट ऑफ सैंपल इक्वल टू W1 ग्राम वेट ऑफ एम्प्टी ऑयल फ्लास्क, W2 ग्राम वेट ऑफ फैट एंड ऑयल फ्लास्क आफ्टर एक्सट्रैक्शन, W3 ग्राम। और कैलकुलेशन की बात करें तो इथर एक्सट्रैक्ट का फॉर्मूला था W3 माइनस W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज ड्राई मैटर इनटू 100। काफी सिंपल प्रोसीजर है, फॉर्मूला इसका, कैलकुलेशन काफी आसान है। प्रिकॉशन की बात करें तो थिम्बल एंड सैंपल शुड नॉट बी टच्ड विद हैंड्स टू अवॉइड कंटामिनेशन बाय लिपिड और स्वेट। तो ग्लव्स पहनना कंपलसरी है, कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई इज मस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर इन कंडेंसर फॉर कूलिंग। तो ये प्रिकॉशन आपको ध्यान रखना। फिर डिस्कस इन डिटेल अबाउट बैलेंस राशन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो बैलेंस राशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज राशन दैट प्रोवाइड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू एनिमल इन सच ए प्रोपोर्शन एंड अमाउंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल फॉर 24 आवर्स। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, लिबरल फीडिंग होनी चाहिए, जितना प्लेंटी अमाउंट में देना चाहिए, इंडिविजुअल फीडिंग विथ बैलेंस राशन, तो एनिमल शुड बी फीड इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ हर्ड। फिर पैलेटेबल होना चाहिए, गुड साउंड एंड लग्जेटिव राशन होना चाहिए। फिर वैरायटी ऑफ फीड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो विटामिन मिनरल्स भी होना चाहिए। फिर फेयरली बल्की राशन विद ग्रीन एंड ड्राई कॉम्बिनेशन, तो 2/3 राशन मस्ट बी ग्रीन एंड ड्राई कॉम्बिनेशन। ग्रीन्स आर बल्की इजिली डाइजेस्टेबल एंड ग्रीन एंड ड्राई फूड आल्सो एसेंशियल फॉर डाइटरी फाइबर। अगला राइट शॉर्ट नोट, तो साइलेज के बारे में पूछा है, साइलेज इज ग्रीन मटेरियल प्रोड्यूस बाय कंट्रोल फर्मेंटेशन, तो एनारोबिक में बनाया जाता है ये, ऑफ ग्रीन फॉडर क्रॉप रिटेनिंग द हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो ये कंटेंट 20-40% ड्राई मैटर एंड 14-16% क्रूड प्रोटीन। फाइव कॉमनली फाउंड
ग्राउंड फॉडर इन एरिड जोन। तो आपको पता ही है, राजस्थान में वालों को पता ही है, एक तो व्हीट स्ट्रो, मेज स्ट्रो, ज्वार, बाजरा, ग्राम, ये सब देते हैं। आप डायग्राम से भी देख सकते हो। फिर रफेज, रफेज दीज आर बल्की फीड्स कंटेनिंग रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ लेस डाइजेस्टिबल मटेरियल, क्रूड फाइबर मोर देन 18% एंड टीडीएन लेस देन 60%। यही इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन होती है। रफेज में फाइबर ज्यादा होता है, टीडीएन कम होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे ग्रासेज, स्ट्रो, पास्चर, साइलेज, हल्स, लेग्यूम है। फिर है कंपाउंड फीड। तो ये एक ऐसा फीड है जो किसी भी स्टेज की ग्रोथ में दिया जा सकता है, जो कि सब कुछ कंसिस्ट करता हो। इट इज अ फीड इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेट इंग्रेडिएंट अलोंग विद मेजर मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, विटामिन्स एंड अदर एडिटिव मिक्सड एंड ब्लेंडेड इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन टू प्रोवाइड प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट फॉर ऑल टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक एट एवरी स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर है न्यूट्रिशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये, न्यूट्रिशन इज द सीरीज ऑफ प्रोसेस बाय विच एनिमल टेक्स इन एंड असिमिलेट फूड फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ एंड रिप्लेसिंग बोन एंड इंजर्ड टिश्यू। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इसेंशियल टू हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल डोमेस्टिक एनिमल। न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एनिमल्स मस्ट मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।